लेकिन लेकिन घुमन साहब मसला ये है ना कि इतने पाकिस्तानियों ने वहां काम किया, और जब भी कोई क्राइसिस आता है, जब भी कोई बात होती है, ये सिंगर्स और एक्टर्स कभी कोई बात नहीं करते कि यार इंडिया इज नॉट सच अ बैड कंट्री। कोई नहीं बोलता जी उनमें से, कोई कोई रैशनैलिटी की बात यहाँ पे आके नहीं कर सकता, इतनी इंटॉलरेंस है। मुझे याद है 96 में मैं कलकत्ता गया एक पीस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो उसके बाद जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आई रहमान साहब थे, वहां जर्नलिस्टों ने यही सवाल किया कि देखें आपके इतने आर्टिस्ट हमारे यहाँ आते हैं, हमारे आर्टिस्टों को क्यों नहीं जाने देते आप उधर। तो यहाँ पे आपको पता है कि इमरान खान ने कुछ इंडियन एक्टर्स को बुलाया था, जमात इस्लामी ने कहा कि हम एयरपोर्ट का घेराव करेंगे, उसको कैंसिल करना पड़ा वो प्रोग्राम। तो सर हमें ये भी तो देखना चाहिए ना, ये आज की जो बात है, आज इमरान खान ये कहते हैं कि जी ये गांधी का इंडिया नहीं है, ये नेहरू का इंडिया नहीं है। तो उस वक्त भी मैंने कहा सर जो कांग्रेस के खिलाफ, जो जो नेहरू के खिलाफ, जो गांधी के खिलाफ नफरत है हमारी टेक्स्ट बुक्स में, वो तो निकलवा दीजिए ना, फिर बीजेपी से गिला भी कीजिए। अब हम कहते हैं जी बीजेपी फासिस्ट है, तो मुस्लिम जिना साहब ने तो कांग्रेस को कहा था कि ये फासिस्ट है और ये प्योरली हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। ये चीजें तो अपने उस सिलेबस से निकाल देना, फिर कोई बैलेंस ले आए थोड़ा सा चौधरी इसमें। साहब, चौधरी साहब, बात ये है कि ज़ाती तौर पे जब हमारे मेरी इंडियन दोस्तों से कभी बात होती है तो आप यकीन जाने कि वो दोनों कहते हैं कि ये बस ये तो सियासतों के झगड़े हैं, यानी जो सियासी लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप के झगड़े हैं, ये आम आवाम के झगड़े नहीं है। सर अच्छा, बात ये सियासतदान भी, सर अगर अगर देखिए अवाम में भी नफरत ना हो या कोई मसला ना हो तो सियासतदान भी वो बात नहीं करेंगे। भुट्टो साहब ने क्यों नारा लगाया था हजार साला जंग करूंगा मैं, और 1968 में भुट्टो साहब ने कहा था, आज जैसे इमरान खान कहता है जी कि इंडिया के मुसलमानों के साथ वही सलूक हो रहा है जो हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था, भुट्टो साहब ने यही बात 1968 में की थी। तो ये तो हमारी शिकायत बहुत पुरानी है सर। असल में चौधरी साहब, बात ये है कि जो जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है दोनों मुल्कों की, वो अपने अपने एक पॉपुलिस्ट जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके वो असीर हैं, उसके गुलाम हैं, उसके अंदर वो बंधे हुए हैं। इवन आप किसी भी पता कर लें, किसी भी लीडर के बयानात उठा लें, किसी भी, यानी वहाँ आपने बात की जो अमरीश पुरी के छोटे भाई थे, ओम पुरी, उन्होंने जब पाकिस्तान के हवाले से सॉफ्ट बात की तो उनके साथ वहां क्या हुआ। कहने का मतलब यह है कि दोनों तरफ से ये मिसालें मिल जाती हैं। अच्छा, वहां ये है कि मेरा जो जाती ख्याल है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि जो इंडियन हम सोसाइटी को इस तरह समझते थे कि वो ज्यादा वहाँ बेहतर पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ जो एजुकेशन और एजुकेशन ने वहाँ लोगों को लिबरल बनाया हुआ है, जहनी तौर पर वो जरा खुले हैं, लेकिन ये पिछले 10 सालों में, तो अगर फर्ज करें हम गलत थे तो उन्होंने भी सही नहीं किया। कहने का मतलब यह है कि दोनों तरफ से जो नफरत है ना चौधरी साहब, ये नफरत को ही जन्म देती है, ये कभी किसी अच्छाई को जन्म नहीं देती। वो अच्छा मेरी तरफ उसमें से हो, घुमन साहब हम शुरू से अगर करें, हिस्ट्री डिड नॉट स्टार्ट इन 2014। अब हम जी पहले से देखते हैं कि पाकिस्तान ने पैदा होते ही क्या काम किया, जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल कर ली सितंबर 47 में। जी इंडिया में वो लोग जो समझते थे कि यार ठीक है मुल्क बन गया, जैसे भी बन गया तो अब हमें गुजारा करना है, अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, तो जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल करके आपने ये मैसेज दिया उनको कि हम पीस में इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम अंडरस्टैंडिंग में इंटरेस्टेड नहीं हैं, वी वांट टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। उसके बाद क्या हुआ, कश्मीर में हमने पठानों को भेज दिया, जाओ भाई जिहाद करो। और ये सर लेफ्टिनेंट कर्नल हैं एक सिकंदर खान बलोच, कभी कभी नवाए वक्त में भी ऐसे मजमून छप जाते हैं, उन्होंने कहा कश्मीर का जो एक्सेशन इंडिया के साथ हुआ उसमें सबसे बड़ा रोल उस ट्राइबल इन्वेजन का था। उसके बाद हमने उनको भूखों मारने की कोशिश की जबकि हमारा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी था उनके साथ। तो सर हमें फिर हिस्ट्री को 2014 से शुरू नहीं करना चाहिए कि 10 साल पहले ये हुआ, हमारा तो शुरू से ही यही मौकफ रहा है कि इंडिया इज एन ईवल कंट्री और हमें उसको खत्म करना है। 71 की जंग में आपको याद है क्रश इंडिया क्या थे, तराने क्या बने थे, मुक जाए कुफर दा झगड़ा, यू नो हम तो कुफर का झगड़ा मुकाने के चक्करों में थे, हम तो इंडिया के साथ कभी अच्छे ताल्लुकात में इंटरेस्टेड नहीं रहे। भुट्टो साहब जैसा इनलाइटेंड आदमी, बाहर का पढ़ा हुआ, ऑक्सफर्ड और ये वो क्या कहता, 1000 साल तक लड़ेंगे। ओ भाई और काम करना है कि यही काम करना है, 1000 साल तक लड़ाई करनी है। तो इन चीजों को भी तो सर हमें तनकीदी नजर से देखना चाहिए ना। देखें, मैंने किसी, मेरी सारी जो गुफ्तगू आपसे चौधरी साहब हुई है, मैंने दोनों क़यादतों को किसी जगह भी
एक्सक्लूड नहीं किया, मैं दोनों को जिम्मेदार समझता हूँ। और लेकिन सर गुमन साहब उसको फिर लोग कहेंगे कि ये फॉल्स इक्विवेलेंस है कि जी दोनों तरफ प्रॉब्लम है, दैट इज नॉट रिग्रेस एनालिसिस। आपको ये कहना पड़ेगा यहाँ पे वो गलत है और यहाँ पे वो गलत है। जब आप इक्विवेलेंस करते हैं ना जी दोनों ही गलत हैं, तो वो एनालिसिस बड़ा बड़ा लूज एनालिसिस होता है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं जिन पॉइंट्स में मैं एग्री कर रहा हूँ, जिस तरह हमने एक सेशन की वहाँ कश्मीर में और जो हमारे यहाँ से लोग गए उन्होंने वहाँ लूट मार शुरू कर दी, जो लोकल लोग थे वो तो उनके साथ रहे ही नहीं, उन्होंने उनको वेलकम ही नहीं किया। और जहाँ जब इंडियन आर्मी आई तो उन्होंने सुख का सांस लिया, यानी एक ये भी हिस्ट्री में बयान किया जाता है। अच्छा दूसरा ये है कि अगर हम इस तरह पिक एंड चूज करें चीज़ों का, मैं ये कहता हूँ कि दोनों तरफ चीज़ें निकल आएंगी, अच्छी भी और बुरी भी। अच्छा जो पाकिस्तान का जो पाकिस्तान बनने के वक्त जो सूरत हाल आपने बयान की, वो चूंकि देखें एक जो मैंने जिस तरह फ्रांस की और जर्मनी की मिसाल दी, जिस तरह मैंने अभी यूक्रेन और यूक्रेन और रशिया की अगर आप मिसाल लें, तो देखें सारे मुल्क जो हैं वो जो खास तौर पे किसी आइडियोलॉजी पे जो जो भी सो कॉल्ड आइडियोलॉजी हम अपनाते हैं उस पे हमें फिर किसी ना किसी तरह आपने लोगों को साथ मिलाने के लिए, पॉलिटिक्स उसी चीज़ का नाम है कि भाई किसी ना किसी तरह आपने अगर आपने जो है वो पोजीशन ले ली तो फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको आर्गुमेंट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं। और अगर फर्द करें आपके पास आर्गुमेंट्स हों तो फिर आपको पोजीशन लेनी पड़ती है। मैं सिर्फ एक सोचने समझने वाले बंदे के तौर पे, एक और हिस्ट्री के तालिबे इल्म के तौर पे, एक पॉलिटिक्स के स्टूडेंट के तौर पे और एक फिक्शन राइटर के तौर पे मैं ये कह रहा हूँ कि हमें हम सबको अपनी अपनी गलतियों को तस्लीम करना पड़ेगा। जहाँ चाहे जैसे मैंने बंगाल में बात की कि वहाँ हमारी जो मुक्तदर हलके थे उनका किरदार को बहुत बेहतर नहीं था हमारे हुक्मरानों का, हमने उनको बिल्कुल एक आम इंसानी सतह से भी नीचे हमने ट्रीट किया। इसी तरह बहुत बेहतर तो सर बहुत बेहतर तो बहुत दूर की बात है, इट वाज एट्रोशियस, जालिमाना था वो। जी बिल्कुल बिल्कुल, कत्लेआम इवन सर उन्होंने जो है हमारे जो थे एक्यू खान जिनको मोहसिन पाकिस्तान कहा जाता, उन्होंने ये लफ्ज यूज किया है कत्लेआम किया हमने अपने बंगाली भाइयों का। तो सर जब तक आप अपने लोगों को ये नहीं बताएंगे कि हमने क्या कुछ किया, कितने लोगों को आज पता है कि ट्राइबल इन्वेजन जब हुआ तो वहां पे क्या कुछ किया उन लोगों ने, जब तक आप आवाम को ये फैक्ट्स नहीं बताएंगे उनके दिलों में नफरत रहेगी। इन्हीं इन्हीं फैक्ट्स को छुपा के हम जो है ना ये काम सारा वारदात होती है कि लोगों तक फैक्ट्स ना पहुंचे। अच्छा चौधरी साहब, इसमें मेरा अपना चूंकि नुकता नजर है, मैं जाती तौर पर यह समझता हूँ कि कुछ नंगे सच होते हैं। अगर एक जो इंटेलेक्चुअल होता है, जो एक दानश्वर होता है, जो एक सोचने समझने वाला बंदा होता है, उसका काम ये होता है कि वो अपनी बात इस तरीके से करे कि लोगों की जहन साजी करे। अगर हम डंडे के जोर पे अगर एक इंटेलेक्चुअल भी ये रवैया अपनाए तो उससे लोग समझने की बजाय ज़्यादा मुश्तिल होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जब एक देखें, मैं खुद उस फेज से गुजरा हूँ कि जो एक बंदा जहाद पे जाना चाहता है, जो एक फौजी बनना चाहता है या एक उसको ठीक समझता है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मैंने चीज़ें पढ़ी, जब मैंने गौर किया, जब मेरा एक्सपोजर हुआ, तो मुझे समझ आई कि भाई ये बहुत कुछ जो हमें बताया जा रहा है, जो हमें दिखाया जा रहा है, वो ठीक नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो कॉमन गुड है, जो हमें मुश्तरका असास है, जो हमारा मुश्तरका असासा है, अगर हम उसकी तरफ गौर करें और देखें तो वो हम बहुत सी ऐसी कॉमन अच्छी चीज़ें भी ढूंढ सकते हैं। जिस तरह हमारा म्यूजिक है, जिस तरह हमारा कल्चर है, जिस तरह हमारे राग हैं और जिस तरह हमारी एजुकेशन है, मैं कहने की बात यह है कि दोनों तरफ से हम लोगों को इंडिकेट कर सकते हैं और ऐसे आइडेंटिफाई लोग कर सकते हैं। जिस तरह बाबरी मस्जिद का वहां ढाया जाना है, क्या उसे आप पॉजिटिव बात कहेंगे? यानी आप मुझे कहेंगे कि जी पाकिस्तान ने ये किया, मैं कहूंगा जी इंडिया ने ये किया। मैं कहता हूँ कि ये अप्रोच ठीक नहीं है। अगर पाकिस्तान ने पाकिस्तान में सर एक मिनट पाकिस्तान में मंदिर ढाया, पाकिस्तान ने अगर किसी ने मंदिर ढाया, मेरा तो मैं जब किसी अपने देहाती इलाकों में या किसी शहरों में जाता हूं तो मुझे अपनी तारीख से बहुत प्यार है। मैं कहता हूं कि जो हमारे इंडियन दोस्त हैं वो यहाँ आए, वो अपना जो उनका माजी है, जो उनकी हवेलियां हैं, जो उनके घर हैं, मोहल्ले हैं, जो उनके गांव हैं, वो देखें। और
हम उन चीजों को जो लोग यहाँ उनकी निशानियां वक्त के साथ भी कुछ खत्म हो जाती हैं, जैसे फर्ज करें वहां को मस्जिद है नमाज पढ़ने वाला नहीं है तो जाहिर है उसको कोई उन्होंने स्कूल बना दिया या कुछ इस तरह कर दिया। मैं ये कहता हूं कि उन चीजों को हमें मिटाना नहीं चाहिए और हमें अपनी गलतियों को तस्लीम करना चाहिए खुले दिल के साथ। जब तक हम अपनी गलती तस्लीम नहीं करेंगे हम उसको ठीक ही नहीं कर सकते। अच्छा वो आपने गुमन साहब बात की बाबरी मस्जिद की, सर इसमें भी ये बात आ जाती है ना कि हमारे पास कितने हकायक हैं बाबरी मस्जिद से मुतालिक। अब मैं एक इंडियन मुसलमान आर्कियोलॉजिस्ट का मैं इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उसने तस्लीम किया कि 70s में मैं पहली दफा वहां गया, मैंने वहां जायजा लिया और ये बात मुझे बड़ी क्लियर नजर आई कि वो उसके नीचे मंदिर के आसार हैं। लेकिन पाकिस्तान में कितने लोगों को ये बताया जाता है और कब से वो तनाजा चला आ रहा था और बहुत सारे मुसलमान ऑफ द रिकॉर्ड ये बात करते थे कि यार इस मसले पे जो है ना हम कंप्रोमाइज कर लें, इस मसले को पोलराइजेशन का एक जरिया ना बनने दें। लेकिन जो लोग फ्रंट पे थे वो इस मूड में नहीं थे कि इसको हम अफामो तफहीम से हल करें। तो सर ये मसला है कि आपको फैक्ट्स जो है वो पहुंचने नहीं दिए जाते। अब सिटीजनशिप लॉ जो है, सिटीजनशिप लॉ के खिलाफ पाकिस्तान में कितना प्रोपेगेंडा किया गया और कितने लोगों को पता है कि वो सिटीजनशिप लॉ है क्या और वो उस लॉ में क्या कहा गया है। और हमारे यहाँ तो एक्सपर्टीज का ये आलम है कि 22 करोड़ के इस मुल्क में एक भी इंडिया पे आपको एक्सपर्ट नजर नहीं आता जिसको मीडिया वाले बुलाते हों कि भाई ये मसला हमें समझा दो, ये इंडिया में क्या हो रहा है, वहां की इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है, सोसाइटी की क्या सिचुएशन है, पॉलिटिक्स की क्या सिचुएशन है। हम तो सर अंधेरे में वो तीर चला रहे हैं ना। जो सब जो आपने अभी आर्गुमेंट दिया मैं इसी को जरा आगे बढ़ाऊंगा। सूरत हाल ये है कि जिस तरह आपने कहा कि जी एक मुसलमान वहां आर्कियोलॉजिस्ट गए तो उन्हें आसार मिले, देखे मेरी बात सुन, बाबर बीइंग मुसलमान ना मेरा रिश्तेदार था ना आपका रिश्तेदार था, ना हम पाकिस्तानियों में से पता नहीं किसी का रिश्तेदार होगा या नहीं होगा, हमें नहीं पता। अच्छा जो इन्वेडर होता है वो किसी भी देखें मजहब का हो उसका मजहब से क्या ताल्लुक होता है, उसने को बाबर ने यहाँ आके इस्लाम की तबलीग की और क्या जो उससे पहले इन्वेडर थे या एक दूसरे, चूंकि उस जमाने में रिवाज ही ये था कि जो बादशाह थे जो इन्वेडर से वो दूसरे लोगों के वसाइल पे और दूसरे मुल्कों पे कब्जा करते थे और दूसरों के वसाइल को लूटते थे। तो ये एक वो एक सेंट्रल एशिया से बंदा आया उसने यहाँ आके कब्जा कर लिया। और अगर आप हिस्ट्री में देखें जो बाद में मुगलों की हुकूमत कायम हो गई तो उसमें बेशुमार हिंदू भी उनके वजीर थे मशीर थे, उन्होंने हिंदू औरतों से शादियां भी की बाबर ने जिस तरह की। तो कहने का मतलब ये है कि अगर फर्द करें वहां एक मस्जिद बन गई मंदिर पे, हम ये सपोज कर लेते हैं, और अब वो जो मस्जिद है उसकी अपनी एक हिस्टोरिकल जो है इम्पोर्टेंस बन गई क्योंकि उसको कई सौ साल पुरानी है। तो फर्ज करें अगर वहां की क्यादत जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो मुसलमानों को भी इकट्ठा करती और गालबन वहां किसी कोर्ट के फैसले के तहत वहां मूर्तियां भी रखी जा चुकी थी और उनकी इबादत भी ऑफ एंड ऑन की जाती थी। अच्छा अगर उसको एक जिस तरह हमने मशरकी पाकिस्तान के जो कजिए को डिस्प्यूट को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया, इंडियंस ने भी कोई आइडियली बाबरी मस्जिद के मामले को अच्छे तरीके से हल नहीं किया। किस तरह कि मैं एक बीइंग कॉमनर के एक स्कूल के स्टूडेंट के या एक कॉलेज के तालिबे इल्म के तौर पे या एक आम जो पाकिस्तानी है उसको तो यही लगेगा कि ये एक मस्जिद को डा दिया गया है और हुआ भी ऐसे उसके जवाब में क्या हुआ। अच्छा सर आपने सर इसमें आर्गुमेंट को जरा आगे बढ़ाना चाहूंगा। देखिए एक नफरत की बेस पे किए गए इकदाम के जवाब में क्या हुआ कि यहाँ बेतहाशा जो मंदिर थे और जो गुरुद्वारे थे उनको डा दिया गया। लोगों को पता ही नहीं था ये गुरुद्वारा है कि मंदिर है, बल्कि जो मेरी इंडिया में स्टोरी जिसका इब्तदा में हमने जिक्र किया उसमें भी यही था कि जो स्टोरी में ये है कि जब गांव के लोग बाबरी मस्जिद के शहीद किए जाने के बाद डाए जाने के बाद वो गांव के गुरुद्वारे को या मंदिर को डाने लगते हैं तो गांव के जो बुजुर्ग हैं वो खड़े हो जाते हैं कि हम ये नहीं डाने दें। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह मैंने अभी आपको मिसाल दी कि भोपालवाला में एक वो 100% वहाँ मुसलमान है, शायद कोई एक आध घर वहाँ हूँ, तो वहाँ मंदिर उसी तरह कायम है। कहने का मतलब ये है कि अगर नफरत का जो जवाब है वो नफरत के अलावा कुछ नहीं हो सकता। मेरा पॉइंट ये है, जवाब
मोहब्बत का जवाब मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं हो सकता। गुमन साहब बात यह है कि क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि एक मंदिर को ढाकर आप उस पर मस्जिद बना दें, चाहे उसको 100 साल हो गए हैं या 500 साल हो गए हैं। दूसरी बात यह है, मेरा पॉइंट ये है कि जो उस इशू के मुतलका जो डिबेट्स होती हैं वो हमारा मीडिया नहीं बताता, उसकी कम्प्लेक्सिटी नहीं बताता कि इसकी हिस्ट्री क्या है। और आपने इन्वेडर्स की बात की, यही इन्वेडर तो हमारे हीरो हैं, हमारी टेक्स्ट बुक्स उनकी मोहब्बत से भरी पड़ी हैं, उनके साथ एडमिरेशन से भरी पड़ी हैं, और वो उनके नाम पे हमने अपने मिसाइलों के नाम रखे हैं। महमूद गजनवी साहब का क्या कारनामा हमें बताया जाता है कि उसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, आज भी वो हमारा हीरो है, अक्सरियत का हीरो है। तो ये मसला है। हाँ, ये आपकी बात दुरुस्त है कि अक्सरियत का हीरो है, वो सबका हीरो नहीं है, कम से कम मेरा तो हीरो नहीं है, और बेशुमार ऐसे लिखने पढ़ने वाले लोग हैं जिनका वो हीरो नहीं है। अच्छा, वो ये है कि अगर आप बुल्ले शाह का जो है वो कलाम उठाएं कि बुरा हशर होया पंजाब दा, तो यानी कहने का मतलब ये है कि उस जमाने में भी लोगों ने इसके खिलाफ लिखा, और जो मॉडर्न दुनिया में तो इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता कि आप उठ के दूसरे के इलाकों पे या दूसरे के मुल्कों पे कब्जा कर लें। तो अगर हमें इसको आगे लेके इस तरह जाना चाहिए कि ना उधर ये बताया जाता है कि ये सूरत हाल, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सॉफ्ट बॉर्डर हो, लोग आपस में मिलें और चीज़ें उससे ठीक हो सकती हैं। अच्छा, जो आपने बात की थी कि हमने अपने जो मिसाइल हैं, जो हमले, जब हम बम बना रहे हैं, जब हम मिसाइल बना रहे हैं, तो उसका क्या हम उसके किसी यानी किसी हिंदू हीरो के नाम पे नाम रखेंगे? जाहिर है हमारे पास जो है हम उसी के नाम पे नाम रखेंगे। कहने का मतलब यह है कि हमारी हिस्ट्री, जो पाकिस्तान का माइंडसेट है कि हमारी, हमने तारीख अपनी शुरू की 75 साल पहले, या हमने तो डिसोन कर दिया जो बरसगीर की हिस्ट्री थी, हमने जो कॉमन हमारा जो एसेट था उससे तो मुंह मोड़ लिया। तो हमें जो इन्वेडर्स थे या अरब थे वैरियर्स, हमें उनको अपना हीरो बनाना पड़ा, और जो हमारी रियासत है उसने भी उनको अपना हीरो ओन कर दिया। तो प्रॉब्लम ये हुआ, ये सिर्फ एक सूरत में ख़त्म हो सकता है कि हमारे लोग जाके इंडिया में, इंडिया की यूनिवर्सिटीज में पढ़ें, वहाँ के तलीमी इदारों में पढ़ें, और वहाँ के हिंदुस्तान के लोग आके यहाँ पढ़ें, और हम एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करें, एक दूसरे की गलतियों को आइडेंटिफाई करें, और हम साइंटिफिकली पढ़ें। अच्छा, ये आपके इल्म में है गुमन साहब कि एक दफ़ा एग्रीमेंट इस तरह का हुआ था इंडिया पाकिस्तान का कि टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो एक दूसरे मुल्क की रिव्यू की जाएंगी और उसकी बुनियाद पे फिर करेक्शन भी की जाएगी। तो उस पर जमात इस्लामी के एक सेनेटर ने, गालबन प्रोफेसर खुर्शीद ने, सेनेट में ये तकरीर की कि अब देखो ये हिंदू हमारी किताबें अप्रूव किया करेंगे। उसके बाद बजाय के पीपल्स पार्टी के जो मिनिस्टर थे वो उसको एक्सप्लेन करते कि हम भी इंडिया की किताबें अप्रूव किया करेंगे, तो वो जो इनिशिएटिव था वो इस तरह से किल हो गया। और सर, आपकी फेसबुक पे मैं देख रहा था इत्तेज़ाज़ अहसन की जो किताब है इंडस सागा, उस पे तबसरा करते हुए ये लिखा हुआ था, आपने गालबन लिखा या किसी और ने, कि बुनियाद परस्ती जो है इस खित्ते के लोगों में कभी मकबूलियत की सनद हासिल ना कर सकी। यहाँ के लोग तो आज भी बुनियाद परस्ती को तवातुर के साथ मुस्तरद करते हैं। तो सर, मुझे तो ये बात दुरुस्त नहीं लगती कि आप देखिए कि मुमताज़ कादरी साहब का जनाजा कितना बड़ा था, मौलवी खादम रिजवी साहब का जनाजा कितना बड़ा था, और बुल्ले शाह की आपने बात की, तो बुल्ले शाह का भी जनाजा जो था वो नहीं पढ़ने दिया गया था, और उनको भी शहर से दूर ले जा के जो है वो एक ट्रांसजेंडर ने गालबन उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई थी। तो इस तरह के जो लोग हैं उनको तो हमारे यहाँ वो कबूलियत हासिल नहीं है। देखें चौधरी साहब, आपने जो जनाजे में आने वाले लोग आए उनको तो देख लिया, जो नहीं आए आपने उनको नहीं गिना, और जाहिर है ये आपका कसूर नहीं है। जो नहीं सर, देखिए 100% लोग तो किसी जनाजे में नहीं आते। नहीं, मेरी मुझे जरा प्लीज, इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्यूनरल्स इन द हिस्ट्री ऑफ लाहौर एंड रावलपिंडी, द लार्जेस्ट प्रोबेबली। प्लीज लेट मी स्पीक। वो सर ये है कि अगर आप ये देखें कि वो तो गाजी इलमदीन शहीद का भी बहुत बड़ा जनाजा हुआ था। दैट प्रूव्स माय पॉइंट। जी अच्छा, अगर आप ये देखें कि जनरल ज़ियाउल्लाह का भी बहुत बड़ा जनाजा हुआ था, लेकिन आज जनरल ज़िया का नाम लेवा को है ही नहीं। उसके आप वो जो उसकी कब्र है वहां जाएं तो वो आपको इतनी यानी बुरे हालों में मिलेगी कि बंदा इमेजिन ही नहीं कर सकता कि ये बंदा एक जमाने में इस मुल्क के लोगों का हीरो रहा है। और कहने का मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म जनाजे मैटर नहीं करते।
देखिए इंतज़ार हुसैन इतने बड़े जो हैं वो राइटर थे, तो उनके जनाजे में बहुत कम लोग आए। जो बंदा मर गया उसके क्या उसके जनाजे में कोई आए या ना आए। अच्छा दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो इंडियन हीरो थे, जो बहुत एक ज़माने में बहुत बड़े हीरो रहे, आज पता नहीं क्या हो गया, मैं लोगों के नाम भूल रहा हूँ, जो पिछले दिनों में एक 2 साल पहले 4 साल पहले शायद फौत हुए, तो उनका जो जनाजा था वो लाइव वहां से दिखाया गया, तो पाकिस्तान में भी बेशुमार लोगों ने देखा और वो उनसे वैसे ही मोहब्बत करते, जो किशोर के गाने बहुत अच्छे गाते थे, जो आराधना फिल्म के जो हीरो थे, ये जो हाँ खन्ना जिनके नाम के साथ आता है, आपको राजेश याद आ खन्ना, रहा जी, राजेश खन्ना। राजेश खन्ना साहब, हाँ वो इतने बड़े हीरो का मैं नाम भूल रहा था। कहने का मतलब ये है कि इक्वली पीपल लव देम, लव हिम, बोथ कंट्रीज इन पाकिस्तान एंड इंडिया। अभी आप जिस तरह लता देखें तो उसके जनाजे से भी लोग टेलीविजन पे वैसे ही लोगों ने देखा, और यहाँ पाकिस्तान में भी बेतहाशा लोग थे जिन्होंने उन्हें ट्राइब्यूट दिया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ आप जो आर्ट है, जो म्यूजिक है, जो सॉफ्ट चीजें हैं, आप उनके भी फॉलोअर्स हैं, और जो नेगेटिविटी है, जो बुनियाद परस्ती है, दोनों मुल्कों में उसके फॉलोअर्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बुनियाद परस्ती ठीक है, हम पहले हम थे तो अब वो हमसे कम नहीं है, इम्प्रेशन तो यही है, तासुर तो यही है। तो जो पाकिस्तान में बुनियाद परस्ती है, ना हम ना उसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं, और ना जो इंडिया में है वो इंडियन उसे जस्टिफाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें देखिए घुमन साहब, कि हमारे यहाँ लिबरल बंदा था भुट्टो, उसने क्या किया, शराब पे पाबंदी लगाई, जुमे की छुट्टी की, अहमदियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया। फिर उसके बाद जियाउल हक आ गया, जिसने कहा कि अगर कोई अहमदी अपने वेडिंग कार्ड पे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखेगा 2 साल की सजा हो सकती है उसको, आपको अगर वो अस्सलाम वालेकुम कहेगा उसको सजा हो सकती है। तो हमने तो आज तक उसको खत्म नहीं किया। इंडिया में ऐसा क्या हुआ है, हम तो 56 में इस्लामिक रिपब्लिक बन गए थे, इंडिया में ऐसा क्या हुआ है कि क्या नरेंद्र मोदी ने इंडिया को हिंदू रिपब्लिक ऑफ यो हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना दिया है, क्या हुआ है वहां ऐसा? नहीं, ऐसा देखें जो आपने हकायक बयान की है वो बिल्कुल, मैंने उनको हकायक कहा, मैंने उनको बातें नहीं कहा। एक मेरा एक दो बातें हैं, मैं दो बातें करूंगा। एक बात ये है कि जो ट्रांजिशनल फेज है, जिस तरह के मजहब को पूरी दुनिया में चैलेंजेस हैं, टेक्नोलॉजी से, साइंस से, जिस तरह पूरी दुनिया बदल रही है, जिस तरह हमारे लोग यूरोप में या कनाडा अमेरिका में जाते हैं, तो वहाँ हर तबका फिक्र के लोग हैं, हर मजहब के लोग हैं, तो उनको फिर पता चलता है कि भाई दूसरे लोग कोई इतने बुरे नहीं है, सबको मिल मिला के रहना पड़ता है। अच्छा दूसरी बात ये है कि जी आपने कहा कि मोदी साहब ने क्या इंडिया को एक जो है वो मजहबी स्टेट डिक्लेयर कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने डिक्लेयर तो नहीं किया, लेकिन वहाँ जो जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप आ रही है, और जिस तरह मुसलमानों की प्रोसिक्यूशन की जा रही है, या जो लोअर हिंदू तबकात हैं, दलित जिन्हें कहते हैं, उनकी ज़िंदगी भी कोई बेहतर नहीं है। अच्छा जो वो हमारी यूट्यूब पे जो मुख्तलिफ वीडियोस के, मेरी खुद काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस जो है वो इंडियन है, उनमें बहुत से लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, और बहुत से लोग जो हैं इवन परवेज हूद भाई जैसे लिबरल बंदे को भी वो बुरा भला कहते हैं कि अल्टीमेटली ही इज़ मुस्लिम और ही इज़ अ फंडामेंटलिस्ट पाकिस्तानी। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ कोई आइडियल सूरत हाल नहीं है। एक ज़माने में इंडिया में आइडियल या अच्छी या बेहतर सूरत हाल थी कि देखें हम दोनों मुल्कों के दरमियान तमाम तर तनाज़ात डिस्प्यूट्स के बावजूद हमारी हॉकी टीमें भी खेलती थी, हमारे जो क्रिकेट टीमें थी वो भी खेलती थी। अब वहां से पाबंदी लग गई है जी कि हम आपस में क्रिकेट भी नहीं खेल सकते। तो कहने सर का आपको मतलब पता है ना, ये है इसकी बैकग्राउंड का पता है ना कि क्यों लगी पाबंदी? जी इंडियन ये कहते हैं कि जी ये नहीं हो सकता कि दिन में हम जो हैं क्रिकेट खेलें, हॉकी खेलें और रात को बम फोड़ें, यू नो। जी तो जी सर गुजारिश ये है, जो प्रोसिक्यूशन है ना मुसलमानों की, बाकी चीजें तो मेरे ख्याल बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी वो, कि लोअर कास्ट हिंदूज जो हैं उनके साथ क्या हो रहा है, ये अलग बात है कि लोअर कास्ट जो है वो एक इंडिया की प्रेसिडेंट भी बन गई। जी मुसलमानों की जो प्रोसिक्यूशन है ना सर, ये कंप्लेंट हमारी बहुत पुरानी है। जी जी मैंने आपको भुट्टो साहब का कोट किया,
कि 68 में उन्होंने कह दिया था कि एक्सटर्मिनेशन हो रही है, उनका खात्मा किया जा रहा है। और अभी आपको पता है कि गुज़िश्ता 2-3 साल में क्या वहाँ पे हुआ, एक हिंदू को मारा गया कि जी इसने ब्लैस्फेमी की है। उसके बाद अभी चंद माह पहले एक टेलर को मारा गया कि इसने ब्लैस्फेमी की है। वो माइनॉरिटी जिसका कत्लेआम किया जा रहा हो बतौर बकौल इमरान खान के, वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। फिर शहरों में जुलूस निकाले गए, मुसलमानों ने जुलूस निकाले, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो सर इसके बावजूद हम कहते हैं कि जी उनका तो कत्लेआम हो रहा है, उनका तो जेनोसाइड हो रहा है। नहीं, अकबरुद्दीन अवैसी ने चंद साल पहले क्या कहा था, उसने कहा था हम 25 करोड़ हैं, तुम 100 करोड़ हो, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, फिर देखना कौन ताकतवर है। तो सर वो माइनॉरिटी जो कत्लेआम का सामना कर रही हो, बर्मा में कोई कह के दिखाए ना ऐसी बात, कोई पाकिस्तान में माइनॉरिटी का बंदा ऐसी बात करके दिखाए। देखें चौधरी साहब, बात ये है कि मैंने आपको गुफ्तगू के इब्तदा में भी बताया कि मेरे जो इंडियन दोस्त हैं, मेरी वो उनमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, तो मेरी जब कभी उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि जी ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, ये बस कुछ पॉकेट्स हैं जिनमें कुछ ऐसे वाक़ियात होते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि गुजरात में जो मोदी साहब जब वहाँ वज़ीर आला थे, जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, जिस तरह उनको जिंदा जलाया गया, मैं ये नहीं कहता कि वहाँ हिंदू हिंदुओं को नहीं मारते, वहाँ कोई कबायली या जो ट्राइब्स में आपस में दुश्मनी है वो नहीं है, या वहाँ कोई सेपरेट मूवमेंट्स नहीं है, या बड़े मुल्कों में प्रॉब्लम्स होते हैं और हमारे यहाँ भी हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका जो मैं आर्गूमेंट समझा हूँ कि जी मुसलमानों खासतौर पर पाकिस्तानियों का एक, देखिए उसकी एक बैकग्राउंड है कि हमारा ऐसा एटीट्यूड क्यों है। देखिए हमने तो इसी आर्गूमेंट पे बुनियाद बना के हमने अलग मुल्क की या अपना कि जी हम उनसे अलग हैं और हमारी कल्चर अलग है, हमारे है और जो भी चीज़ें हमने वो उस वक्त उनको आइडेंटिफाई अपनी तरफ से आइडेंटिफाई करके कहा जी कि हम इस तरह उनसे अलग हैं और हमने एक अलग स्टेट बना ली। अब ये है कि उस आपको पता है कि जब पाकिस्तान बना था तो जो हमारी कोई, मैं तो उनको कौमी जुबानों जुबानें कहूँगा, वो सिंधी हो, बंगाली हो, वो पंजाबी हो, वो पश्तो हो, तो हम उन्हें इलाकाई जुबानें कहते थे और तमाम जुबानों में सिंधियों के अलावा किसी कौम ने, किसी जो कम्युनिटी है उसने फाइट नहीं किया अपनी जुबान के लिए, और ख़ास तौर पे पंजाबियों ने तो बिल्कुल ही नहीं किया। इन्होंने अपनी जुबान जो है वो उर्दू पे वार दी, और पहले 10 साल तो पाकिस्तान बनने के बाद यानी पंजाबी में लिखना कोई ऐसे गुनाह समझा जाता था। कहने का मतलब ये है कि जब हमने एक मुल्क एक डिफरेंट आइडियालॉजी पे बनाया, वो अब बन गया, अब 75 साल हो गए, हमने गलतियां बहुत की, वो इंडिया ने भी कुछ गलतियां की होंगी और गलतियां की हैं, और मैं ये कह रहा हूँ कि हमें अपनी अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करके एक कॉमन गुड के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और अपने लोगों की फलाह, अपने लोगों की बेहतरी, अपने लोगों की डेवलपमेंट इसी में है कि हम दुश्मनी और तंग नज़री फंडामेंटलिज्म को छोड़ के हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के अगर चलना चाहते हैं तो हमें नैरो माइंडेडनेस से निकल के एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करना होगा। हमें मानना पड़ेगा कि मेरे अकीदे को, मुझे हिंदू से कोई ख़तरा नहीं है, मुझे किसी जैन मत से कोई ख़तरा नहीं है, मुझे किसी बुद्ध मत से ख़तरा नहीं है, और यही अहम असूल पूरी दुनिया पे और ख़ास तौर पे आप दोनों ममालिक इंडिया और पाकिस्तान अपने आप पे इम्प्लाई कर लें तो मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि हम दोनों मुल्क ज़्यादा बेहतर प्रॉपर प्रॉस्पेरिटी की तरफ और ज़्यादा जो है वो तरक्की की तरफ हम जा सकते हैं। अच्छा गुमर साहब, आखिर में मैं अर्ज करूं, गुजरात की आपने बात की, वहां पे फिर वही बात आ जाती है कि हमारा मीडिया कोशिश वो नहीं करता कि आपको एक बैलेंस पिक्चर दिखाए। मैंने शायद सिद्दीकी साहब सॉरी इंडिया के एक जर्नलिस्ट हैं शायद सिद्दीकी, वो पॉलिटिशियन भी रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, तो उन्होंने, उनका मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि जी अक्सर व बेशतर क्या होता है, फसादात की जो है ना वो स्टार्ट मुसलमानों की तरफ से होता है, फिर ये अलग बात कि उनका नुकसान भी उन्हीं का ज़्यादा होता है। अब गुजरात राइट्स में कितने पाकिस्तानियों को ये पता है कि उसका आगाज़ जो है वो गोधरा रेलवे स्टेशन से हुआ, और गोधरा पे 59 के करीब लोगों को जिंदा जला दिया गया था उस ट्रेन में। तो आपको ये सोचना चाहिए कि यार अगर हम इस तरह का काम करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे लिए अच्छे नहीं होंगे।
ह्यूमन लाइफ की जो किलिंग है, ह्यूमंस की किलिंग, किसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन एक माइनॉरिटी को डबली केयरफुल होना चाहिए कि यार हमारी किसी हरकत से कोई ऐसा जवाब ना मिल जाए कि फसादात फूट पड़े। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे मीडिया में अनफॉर्चुनेटली नहीं आती। और एक और अर्ज करूँ मैं कि 1950 में कितने पाकिस्तानियों को पता है कि ईस्ट पाकिस्तान में फसादात हुए जिनमें 10,000 हिंदू मारे गए थे? हमारी हिस्ट्री बुक्स में उसका कोई जिक्र नहीं मिलता, क्योंकि हमने तो हिस्ट्री को मुसफ़ा कर दिया है, सैनिटाइज कर दिया है। उसके बाद फिर जोगिंदर नाथ मंडल जो थे वो यहाँ से वजारत छोड़ के, अपनी लॉ मिनिस्टर थे पहले वो पाकिस्तान के, वो इंडिया चले गए और वहाँ से उन्होंने लेटर ऑफ रेजिग्नेशन भेजा था लियाकत अली खान को कि जी अब पाकिस्तान में हिंदुओं का कोई मुस्तकबिल नहीं है सिवाय लिक्विडेशन या कन्वर्जन के। तो ये चीज़ें जब तक हम अपने अवाम को नहीं बताएंगे तो ये नफरत खत्म नहीं होगी। हमें एक बैलेंस पिक्चर उनको देनी होगी कि भाई ये हुआ था, तो उसी तरह से फिर वो नफरत खत्म होगी। अगर हम ये कहेंगे कि हमने तो जी कभी को गलती नहीं की, हिंदूज आर बैड गाइज, मुस्लिम्स आर गुड गाइज, जो हमारी तारीख की अप्रोच है, हिस्टोरियोग्राफी जो हम लिखते हैं इसी प्रिंसिपल के तहत लिखते हैं। अगर हम लिखते हैं तो ये गलत लिखते हैं। देखिए, जब तक हमारे मुसलमानों का ओवरऑल पूरी दुनिया में और खासतौर पर पाकिस्तान में, अगर जब तक हमारा ये माइंड सेट तब्दील नहीं होगा कि जी हम पूरी दुनिया पे हुक्मरानी हमारा ही हक है और हम ही दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं और मुसलमान हो के, यानी माई गॉड इज़ गुड गॉड और जो फलाने का अल्लाह है वो ठीक नहीं है और मेरा मज़हब जो है वो बहुत अच्छा है, कहने का मतलब ये है कि हमें एक दूसरे को स्पेस देनी पड़ेगी, एक दूसरे को तस्लीम करना पड़ेगा और एक दूसरे के अकीदे का एहतराम करना पड़ेगा। अब जैसे हिंदुत्व का जो चलन है वहाँ इंडिया में, दोनों तरफ से, मैं दोनों का मतलब ये नहीं है कि मैं को उसमें इक्वालिटी कर रहा हूँ कि हम बुरे हैं तो वो भी बुरे हैं, नो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस तरह आपने गोधरा रेलवे स्टेशन के फसाद की बात की और गुजरात की बात की, तो मैं आपको उससे पहले लेके चलूंगा कि किसी भी फसाद की जो अनार्की होती है या जो जिस तरह पार्टीशन में 10 लाख लोग कत्ल हुए, बेगुनाह लोग मारे गए, वो हिंदू थे, सिख थे, मुसलमान थे, दोनों तरफ से जाती हुई। कहने का मतलब ये है कि जब फसाद होता है, जब अनार्की होती है, जब पैनिक क्रिएट होता है, तो वहाँ कुछ भी नहीं देखा जाता, वो किसी प्रिंसिपल पे, किसी असूल पे, किसी लॉजिक पे थोड़ा होता है, वो तो एक अनदेखी ऐसी हम जंग में कूद पड़ते हैं जिसका कोई इख्तिताम नहीं है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम ज़हनी तौर पर कुशादगी लाएँ, एक ओपन माइंडेडनेस लाएँ, एक दूसरे को तस्लीम करें ताकि हम तंग नजरी की भेंट ना चढ़ें और हमारे लोग एक दूसरे के खून के प्यासे ना हों और हम अपना मज़हब, अपना अकीदा अपनी हद तक रखें। हम ये ना समझें कि हम पूरी दुनिया के ठेकेदार हैं और हमने पूरी दुनिया को ठीक करना है। हम खुद तो को ठीक कर लें, अपने अपने अकीदे पे कायम रह के, हम दूसरे के अकीदे का एहतराम करके, मेरा दाती ये ख्याल है कि हम दुनिया को एक खूबसूरत दुनिया बना सकते हैं। जी अपना घुमन साहब, फसादात की आपने बात की, उस पर भी मैं यही अर्ज करूँगा कि हमें हिस्ट्री जो है ना वो ऑनेस्टी के साथ पढ़ानी चाहिए। मसलन 46 में जो सबसे बड़ा फसाद का जहाँ से आगाज़ हुआ वो कलकत्ता था, 16 अगस्त 1946 को, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो थे वो थे हुसैन शहीद सोहरावर्दी, और उनका बहुत सारे हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज राइट्स, उन्होंने कंट्रोल करने के बजाय उनकी हौसला अफजाई की। और उसके बाद पंजाब में जो राइट्स हुए उनका आगाज़ रावलपिंडी से हुआ मार्च 1947 में। ये चीज़ें हम नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को। हमारे अक्सरियत जो है, कम से कम पंजाब में 99% लोग शायद ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये फसादात जो थे ना, हिंदुओं और सिखों ने मुसलमानों को मारा, हमने कोई खास ऐसा नहीं किया। अच्छा चौधरी, असल में जब हम पोजीशन ले लेते हैं ना, हम जब पोजीशन ले लेते हैं किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो हम उसके असीर हो जाते हैं, उसके हम बाउंड हो जाते हैं, ज़हनी तौर पे गुलाम हो जाते हैं। आप ये देखें कि जो फ्रांस और जर्मनी थे, उनका तो मतलब एक ही था, उन्होंने नेशनलिज्म पे और कौम परस्ती पे जंगें लड़ी, और जिस तरह इंग्लैंड और वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू हुई, कहने का मतलब ये है कि अगर मजहब नहीं होगा तो इंसान कुछ और अपने लिए बना लेंगे। अब जिस तरह जापान और राइवलरी रही चाइना की, या अब भी उनकी उनके दिलों में है, तो जिस तरह हमने इंडिया पाकिस्तान ने उसमें एक जो है वो दुश्मनी पैदा कर रखी है, मैं इसे सो कॉल्ड दुश्मनी कहता हूँ ना, ये पाकिस्तान की फौज के लिए अच्छी है, ना इंडिया के लिए अच्छी है, ना पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छी है, ना इंडिया की अवाम के लिए अच्छी है, हमारे लिए अच्छा है
हमें वो सोचना होगा। अगर हम जो सोचने समझने वाले लोग हैं, लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, जो आर्ट और कल्चर के नुमाइंदा लोग हैं, अगर हम भी उनके अपेरेंट जो रिजल्ट्स हैं उन पे जाएंगे तो हमें चीज़ों की समझ नहीं आएगी। हमें उसके पस मंजर में जाना पड़ेगा कि कोई भी वाकया क्यों होता है। तो अगर हम उन वाकयात को, उन वजूहात को दूर करेंगे तो मेरा जाती ये ख्याल है कि हम उन जो नेगेटिव हैपनिंग्स होती हैं उनको तो शायद जब तक इंसान है कभी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इंसानी जबिल्लत है अच्छाई और बुराई। लेकिन हम अपनी कोशिशों से, इंसानी तरबियत से, तालीम से, एजुकेशन से, उससे, ट्रेनिंग से हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। जिस तरह उसकी मिसालें हैं, अब एक बंदा जब अस्पताल, आपको पता है कि इस्लामाबाद में जो सबसे बड़े यहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, ही इज हिंदू, ही इज फ्रॉम सिंध, और वो यहाँ पाके जो इस्लामाबाद के सबसे बड़े और काबिल डॉक्टर हैं वो हिंदू हैं। इसी तरह जो लीवर ट्रांसप्लांट के हवाले से जो बेहतरीन जो डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी थी वो इंडियन डॉक्टर्स के पास थी, और लोग अपना जिगर तब्दील करने के लिए इंडिया जाते थे ट्रांसप्लांटेशन के लिए। कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ कोई मतलब तो नहीं पूछता कि भाई, या डॉक्टर ये जो हिंदू डॉक्टर के पास पेशेंट जाते हैं वो ये थोड़ा पूछता है कि आप किस फिरके से हैं, आपका मजहब क्या है, या जो एक पेशेंट है वो ये पूछता है जी हिंदू है, मैं इनसे इलाज नहीं करवाऊंगा। आपको, आप जानते हैं ना डॉक्टर साहब जो इस्लामाबाद में चार्ट स्पेशलिस्ट, आपकी आपकी बात दुरुस्त है सर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो बहुत से ऐसे डॉक्टर जो शिया थे उनको चुन चुन के मारा गया, खासतौर पर कराची में जी। तो मुनीर नियाजी के शेर से मैं इजाजत चाहूंगा, उन्होंने कहा था, गैर से नफरत जो पाली खर्च खुद पर हो गई, जितने हम थे हमने खुद को उससे आधा कर लिया। तो गुमन साहब बहुत शुक्रिया, बहुत वक्त लिया मैंने आपका, बहुत तफसीली हो गई बात। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपसे आज मेरा डायलॉग हुआ। ये आरएन निजामी साहब की जब वफात हुई तब भी आपने एक दफा मुझे कहा था, उस वक्त मैं अपने आबाई इलाके में गया हुआ था तो हमारी गुफ्तगू नहीं हो सकी। सो इट वॉज अ लॉन्ग अवेटेड कन्वर्सेशन विच वी हैव डन टूडे। सो आई एम रियली हैप्पी एंड फीलिंग नाइस टू टॉक विद माई ऑडियंस थ्रू यू। तो थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Thanks again.